केंद्र सरकार के नागरिकता कानून बनाने के बाद देश भर में इसका विरोध हो रहा है। जगह जगह हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, जिससे सरकारी संपत्ति ही नहीं नष्ट हो रही बल्कि आम नागरिक भी इसका शिकार हो रहे हैं। ऐसी नाजुक घड़ी में न्यूज आपसे अपील करता है कि आप किसी भी तरह की साजिश का शिकार न हो, किसी की भी बातों पर आंख बंद करके विश्वास न करें, साथ ही सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही उसे आगे बढ़ाएं। अगर आप विरोध करना भी चाहते हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करें और इंसानियत दिखाएं। क्या मामला? ठीक ठीक इस देश में जब जब एक कर्मठ सुशासन को लेकर नेतृत्व करने आया है यहाँ के तथाकथित शांति दूतों ने, उनके खुली चुनौती दी है रोड पे। और हम राष्ट्रवादी लोग, हम हिंदू भारतीय लोग, हम पुरजोर जो पिछले दिनों संसद के अंदर जो बिल लाया गया, बाद में भारत के राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी ने उस पर अपना सहमति जताया और वो बिल आज के डेट में एक कानून का रूप ले चुका है। हम पूरे भारतीय, हम पूरे राष्ट्रवादी लोग पुरजोर भारत के इसी कानून का नहीं, पूरे जो भी संविधान के नहीं, जो भी कानून है, हम उसका पुरजोर समर्थन करते हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कार्यक्रम हमारा उस बिल के, उस कानून के समर्थन में है आज। और आने वाले दिन में वो जो शांति दूत जो इसके विरोध के नाम पर इस देश के संपत्ति को, राष्ट्र के संपत्ति को, आम जनता के संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं। और आग्रह नहीं माने तो हम भी सड़क पर उतर के मुंह तोड़ जवाब देंगे। और आने वाला दिन हिंदुओं का होगा, इस राष्ट्रभक्तों का होगा, भारतीयों का होगा।